सरोकार। अंबिकापुर में पंचायत भवन में मिले अधजलित दस्तावेज, मौके पर पहुंचे अधिकारी। जगदलपुर में अपार्टमेंट के बिल्डर पर लगा गंभीर आरोप, फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाए 56 फ्लैट। कोरिया में पुलिस ने किया अवैध कोयला जब्त, चंद बोरियों को जब्त कर विभाग थपथपा रही पीठ। मोर आवास मोर अधिकार अभियान को लेकर भाजपा गांव गांव में लगा रहे जन चौपाल। सूरजपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, मुर्दों को मिल रहा पेंशन योजना का लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सूरजपुर से चौंका देने वाली खबर सामने आई, यहां जीवित बुजुर्गों को पेंशन नहीं बल्कि मुर्दों को पेंशन दी जा रही है। आपको बता दें कि पंचायत से पेंशन राशि मंजूर होने के बाद भी अब पंचायत प्रतिनिधि इन बुजुर्गों को परेशान कर रहे हैं। वहीं कई सालों से मरे हुए लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, कुल मिलाकर पेंशन की राशि का बंदरबांट किया जा रहा है, जबकि इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई तो अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बात कही है। महासमुंद के पिथौरा से लगे ग्राम अठारगुड़ी में भाजपाइयों ने जन चौपाल लगाए, साथ ही सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य सरकार से राज्यांश देने का भी आवेदन दिया। साथ ही जन चौपाल में भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर राज्यांश के 40% राशि को न देने का भी आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत अठारगुड़ी में मोर आवास मोर अधिकार के तहत भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में पोलिंग बूथ स्तर पर एक अभियान चला रही है, जिसमें जन चौपाल लगाकर गांव में प्रधानमंत्री आवास के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। चूंकि केंद्र से 60% राशि प्रधानमंत्री आवास के लिए आवंटित कर दी गई है, परंतु राज्य सरकार द्वारा उस राशि में अपना राज्यांश 40% नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते लाखों लोग आवास से वंचित हैं। आवास की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है। कोरिया वन मंडल के वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने 11 बोरी कोयला जब्त करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि अवैध कोयला खदानों की खबरें बार बार चलाई जा रही हैं, लेकिन विभाग जान कर भी अनजान बना हुआ है और चंद बोरियों को जब्त कर विभाग अपनी पीठ थपथपा लेता है, जिसके चलते तस्करों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। तो वही ये मामला सामने आने के बाद भी कोई अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं हुआ है। जगदलपुर में स्थित अपार्टमेंट के निवासी ने अपार्टमेंट के बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बिल्डर ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर 56 फ्लैट्स बनवाए और नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि बिल्डर ने और भी कई गंभीर अनियमितताएं की हैं, जिसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो लगाया है वो एक्चुअल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो एक अलग ही दस्तावेज है, जिसके आधार पे उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को गुमराह किया, शासन प्रशासन के साथ धोखाधड़ी करी। तो इस बात का प्रमाण के साथ मैं ये आरोप उन पर लगाता हूँ और मैं शासन से मांग करता हूँ कि वे बिल्डर के ऊपर FIR करें और तुरंत कार्रवाई करें। क्या मामला है सर? मामला ये है कि बिल्डर ने जो 4 बिल्डिंग बनाई है, बिल्डर कौन? बिल्डर श्री मेसर्स पृथ्वी डेवलपर श्रीमान अशोक लुक्कर जी ने बनाए, बिल्डर हैं उसके। उन्होंने उनको 4 बिल्डिंग बनाना था, उन्होंने 2 ही बनाया, और डॉक्यूमेंट्स सब फर्जी लगा के रजिस्ट्री कर दिया।
सरगुजा के लखनपुर पंचायत क्षेत्र में रोजगार गारंटी, जॉब कार्ड, राशन कार्ड सहित कई अचलित दस्तावेज पंचायत भवन परिसर में मिले हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने सरपंच और तहसीलदार को दी। सूचना पर नायब तहसीलदार राजस्व कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और दस्तावेज जलाने को लेकर अनुमति के संबंध में पूछताछ की, जिस पर सरपंच ने अनुमति नहीं होने की बात कही है, जिसके बाद जनपद कार्यालय से 3 सदस्य दल जांच के लिए टीम गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम है, मैं कटिंदा का निवासी था। आज यहाँ पे भीड़ क्या लगा है? आज यहाँ राशन कार्ड और ये जमीन का पट्टा मिले आवेदन लगा दे रहे हैं, फॉर्म जमा कर रहे हैं। अब बाहर आज जल जल से जल कौन जलाई सो कर पते नहीं है। कब जमा कर रहा है? 22 कर रहे हैं। 22 नहीं होगा। 22 की जमा। फाइलर कहाँ ले मिली इसका? फाइलर यही जगह मिल गई, सही कचरा में जले लगी इसके। कौन निकाले से ना, कौन खोज के गए? मैं खोज के तो देखे लगे तो मैं ही निकाले हूँ इलाज। अच्छा, मैं ग्राम पंचायत कटिंदा का सरपंच हूँ। नाम क्या? मेरा नाम जमुना प्रसाद है जी। बताइएगा आप लोग किस तरह से कौन कौन से कागज दस्तावेज जलाए थे, क्या हुआ था जी? इसमें क्या हुआ, मैं गांव का लोगों को पोताई करने के लिए दिया था श्री चरण राम को, फिर वो लोग पोताई किए और इसके बाद मेरे को पता नहीं है कि कौन जलाया का किया। क्या कच के जला दिया? उसमें राशन कार्ड था पुरानी, जॉब कार्ड था पुरानी, और कुछ वन अधिकार पट्टा का आवेदन किया हुआ दस्तावेज। मैं आईसी यादव, नायब तहसीलदार लखनपुर जी। बताइएगा शासकीय दस्तावेज चलाया गया, किस तरह का मामला था, किस तरह से आपने जांच पाया है? ग्राम पंचायत कटिंदा में सूचना मिला कि पुराना अभिलेख जैसे जॉब कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वन अधिकार पत्र जलाया जा रहा है। तत्काल स्थल पर पहुँच करके अधजले ही कागज को पूरा उसको बोरी में भरकर रखवा दिया गया है, उसमें पंचनामा तैयार किया गया और उसको जांच के लिए भेज दिया गया है। इसमें पंचायत की कैसे बड़ी लाभ, किस तरह की लापरवाही थी, उसमें संदिग्धता किस थी? सर दूसरी बात, कटिंदा में राशन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जलाने का मामला सामने आया था, क्या मामला? उसके लिए मैंने जाँच कमेटी गठित कर दी है और जैसे जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होगा कार्रवाई करेंगे। सर क्या हुआ था इसमें? अब ये मेरे भी नॉलेज में आया है, लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अब चूंकि उसके लिए तो हमने यहाँ से दिया नहीं कोई अनुमति, है ना, अगर गलत है तो कार्यवाही होगी। किस तरह से अनुमति दी जाती है जनपद कार्यालय से? नहीं, अनुमति जनपद से नहीं दी जाती, उसकी तो विधिवत प्रक्रिया है, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास करके। अगर बहुत पुराने अभिलेख हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। तो कितने सदस्य दल बनाई गई इसमें जाँच के लिए? 3। अकलतरा में नवविवाहिता ने ससुराली जनों से प्रताड़ित होकर फांसी लगा ली, जिसे इलाज के लिए शासकीय अस्पताल ने जगाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी विवाहिता पर दहेज के लिए दबाव बना रहे थे, जिससे तंग आकर विवाहिता ने अपनी जान दे दी है। तो वही मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।